सगे भाइयों की नदी में डूबने से मौत। मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना क्षेत्र स्थित गांगन नदी पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब दो सगे भाइयों के डूबने की सूचना की जानकारी हादसे का शिकार हुए युवकों के तीसरे भाई ने परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल की टीम बचाव कार्य में जुटी है। परिजनों के मुताबिक एकता कॉलोनी में रहने वाले तीन सगे भाई अपने एक दोस्त के साथ मछली पकड़ने गांगन नदी किनारे पर गए थे, जहां नदी के तेज बहाव में एक युवक डूबने लगा। मौके पर मौजूद युवक के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी पानी के तेज बहाव में डूब गया। घटना के बाद पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए युवकों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मझौला थाना क्षेत्र स्थित एकता कॉलोनी में रहने वाले गौरव, शिवम और अमन तीनों सगे भाई हैं। आज दोपहर लगभग 3 बजे तीनों भाई मोहल्ले के रहने वाले वंश के साथ गांगन नदी किनारे मछली पकड़ने गए थे। मछली पकड़ने के दौरान अचानक शिवम नदी के तेज बहाव में डूबने लगा, जिसे देखकर गौरव ने उसे बचाने की कोशिश में नदी में छलांग लगाई, लेकिन वह भी पानी में डूब गया। दोनों भाइयों के डूबने की जानकारी अमन द्वारा परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों में मातम पसर गया। परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, साथ ही मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और दमकल की मदद से बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। अमन, क्या करने गए थे आप भाइयों के साथ? अपने ऐसे घूमने मच्छी मारने गए थे। अच्छा, तो क्या हुआ? मेरा बीच वाला भी डूब गया, बड़ा वाला बचाने भागा, वो भी डूब गया। कितने लोग थे आप? हम 4 जने थे। चौथा कौन था? चौथा वो लड़का था, दोस्त था मेरा। भैया बंद कर दो, उसके पापा का उसके पापा का नहीं पता, वो यहीं का ही है। अच्छा, 4 लोग गए थे तो छोटा सा था, तो पता चला कुछ नहीं अभी? कल को देखेंगे। चलो अब जाओ, घर जाओ, घर आ जाओ। मेरा नाम राधा है। दादा जी बताइएगा, बच्चे जो आए थे कितने बजे घर से आए थे और क्या करने आए थे यहाँ? अब ये तो हमें नहीं पता, हम भी दूर रहते हैं, लेकिन 3 बजे के करीब आए थे सुना है हमने भी। अब पूरी बात तो हमें भी नहीं पता। अच्छा, क्या कर रहे हैं? क्या बताया जो तीसरा भाई था, उसने क्या बताया? वैसे कह रहे हैं कि मछली पकड़ने आए थे। अच्छा, तो मतलब कितने लोग थे ये? थे 4 लड़के थे, 2 बाहर थे, 2 अंदर घुस गए थे। एक डूब रहा था, दूसरा बचाने के लिए गया तो वो भी डूब गया। अच्छा, कितने लोग डूबे हैं? दो, मतलब 4 लोग थे। हाँ, दो बच्चे बाहर ही रह गए, 2 डूब गए। क्या क्या नाम थे और कितनी उम्र थी इन बच्चों की? गौरव और गौरव और शुभम। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चे? रहने वाले तो भी गेट के हैं, रहने वाले तो बाहर के हैं। वैसे यहीं कहाँ पे? एकता कॉलोनी पटपुरे में रहते हैं। मकान बना रखा है सर। मकान अभी तक कितना समय हो चुका है, क्या पता चला अभी तक? अभी कुछ भी, अभी कुछ नहीं पता चला। पूरी टीम आई हुई है और गोताखोर भी, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ आता पता नहीं। लेडीज़ के वजह से हम लोगों को बोला जा रहा है आप घर जाइए, हमको स्टाफ कोई रुकने नहीं दे रहा यहाँ पर। बरसात के चलते इन दिनों जनपद की नदियों में पानी का बहाव काफी तेज है और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदियों में जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। दो सगे भाइयों के डूबने की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर मौजूद हैं, साथ ही दमकल विभाग भी डूबे हुए युवकों को तलाश करने में जुटा है। चौकी प्रभारी के मुताबिक घटना की सूचना मिलने के बाद राहत का और बचाव काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन दोनों बच्चों की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। शाम को सर, मतलब कितने बजे की घटना है, बच्चे कहाँ? लगभग 5 बजे की घटना है। 3 भाई सगे पेपटपुरा के रहने वाले एकता कॉलोनी के, वो लोग यहाँ मछली पकड़ने के लिए आए थे। उनमें एक बच्चा यहाँ डूबने लगा सामने, तो उसका दूसरा भाई उसको बचाने के लिए जैसे ही पहुँचा वो भी डूबने लगा, तो दोनों पानी में डूब गए। तो उसके तीसरे भाई ने अपने घर फ़ोन किया, पब्लिक को हल्ला मचा के बुलाया, पब्लिक ने प्रयास किया, मगर वो पानी ज़्यादा होने के कारण और नदी में थोड़ा बहाव भी तेज़ है हल्का सा, प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया। कितने घंटे टीम ने इसमें रेस्क्यू किया है तक बच्चे? 5 बजे से लेके अभी तक रेस्क्यू चल रहा है और अभी हमारा प्रयास है कि बच्चे, हम कोशिश करेंगे कि रात में ही मिल जाएं। कितनी एज रही होगी इन लोगों? एक बड़ा जो है वो 18 साल का, छोटा भाई जो है 16 साल का है। तीसरा भाई जो था वो करीब 12-13 साल का था, वो बाहर था और मछली पकड़ने के लिए आए, पानी में अंदर घुस गए, डूबते चले गए। एक दूसरे को बचाने वो भी डूब गया बेचारा। परिवार वाले सब मौजूद हैं, अभी यहीं बैठे हैं इधर उधर, तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग।
जैसे ही मिले। कितने घंटे हो गए सर रेस्क्यू? 5 बजे से कंटिन्यू रेस्क्यू चल रहा है, 5 बजे से कंटिन्यू। तो आप जो है मतलब लगातार ढूंढ ही रहे हैं? लगातार ढूंढ रहे हैं, सब प्रयास है, पूरी टीम है, सभी अधिकारीगण मौजूद हैं, ESP साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, मैं चौक इंचार्ज हूँ, मेरे सहायक समस्त स्टाफ है और फायर सर्विस के सभी तमाम अधिकारीगण हैं, FSO साहब भी आए थे, पूरी टीम उनकी साथ में है, पब्लिक का भी काफ़ी सहयोग है, पब्लिक के भी काफ़ी 8-10 बच्चों ने काफ़ी सहयोग किया, मगर अभी सफलता नहीं मिल पाई है, प्रयास कर रहे हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? सत्येंद्र शर्मा, चौक इंचार्ज हूँ TP नगर। ठीक है।